लहार से खबर, जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों की पिटाई कर दी गई। बता दें, दो लाइनमैन को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। एई और जेई के सामने लाइनमैन की पिटाई की गई। बता दें, रावतपुरा थाना क्षेत्र के अघदेवा गांव का मामला है, जहां दो लाइनमैन को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ग्रामीणों ने, दो लाइनमैन को ग्रामीणों ने पीटा है। रावतपुरा थाना क्षेत्र के अघदेवा गांव का ये मामला बताया जाए। इधर छतरपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम लड़के के नाम बदलकर हिंदू नाबालिग लड़की से शादी की और 3 साल बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। एडवोकेट शिव प्रताप सिंह ने बताया कि 3 साल पहले जब लड़की नाबालिग थी, तब तालिब नाम के लड़के ने खुद को हिंदू बताकर नाबालिग से भागकर शादी कर ली थी। उस दौरान सिविल लाइन थाना में लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन FIR नहीं हुई। 3 साल बाद यानी 1 जुलाई को लड़की ने पिता को फोन कर पति की हकीकत बताई। वहीं 7 जुलाई को पता चला कि लड़की की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतका के पिता ने SP से कार्रवाई की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। क्या मामला है, किस तरह का मामला है? देखिए, ये किशोरी अहिरवार जी हैं और ये पन्ना नाका पे रहते हैं। इनकी बच्ची की शादी एक तब्बू नाम के लड़के से हुई थी, जो भी ला कैपिटल होटल के पास रहता है। इनका यह कहना है कि तब्बू हिंदू नाम समझ के लड़की ने इससे शादी कर ली थी और ये तालिब है। और इसका भाई विशाल जमाल खान, कमल इसके पिताजी का नाम है, कमल और कमाल खान, माँ शहनाज बानो और मामा फखरुद्दीन ने मिलकर इनकी बच्ची की हत्या कर दी है। और बच्ची का शव झांसी अपने मामा फखरुद्दीन के यहाँ ले गए हैं और इस तरह की इनके द्वारा हमको जानकारी दी गई है और वहाँ पर ही गाड़ दिया गया है। ये कहीं ना कहीं इसको प्रशासन को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।